उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कनेटा पर जीनू चक के निर्देशन में एक शोक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी जीनू चक ने जानकारी देते हुए कहा, नमस्कार, मेरा नाम जीनू चक है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी हूं। आपने ये बैठक किस कार्य के लिए किया? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सह संगठन महामंत्री जी हैं, उनका नाम है भवानी सिंह जी, तो उनका हैदराबाद में कोरोना के उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। इस संबंध में आज ये बैठक की है और आज भाजपा के सभी सदस्यों में एक दुख की लहर दौड़ गई है। भवानी सिंह जी भाई साहब ने भारत माता के लिए अपना निजी जीवन, पूरा जीवन उन्होंने अपना समर्पित कर दिया। हम सभी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा है और उनको श्रद्धांजलि दी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, धन्यवाद। कि प्रदेश के सह संगठन महामंत्री श्री भवानी सिंह जी का हैदराबाद में कोरोना उपचार के दौरान निधन हो गया था, जिस कारण सभी कार्यकर्ताओं को बेहद दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनका जाना भाजपा परिवार के लिए पूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपना सारा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जो आने वाले कई दशकों तक युवाओं को प्रेरणा देगा। धबरई मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम ने कहा कि बंगाल चुनाव में भवानी सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी मेहनत बंगाल में चुनावों के परिणाम में दिखाई दी। उन्होंने कहा, बंगाल में बीजेपी की 3 सीटें थी और सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए शोक संवेदन व्यक्त किया। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष देवेश भारद्वाज, योगेंद्र यादव, कुंदन प्रजापति, अमर राठौर, अंकित राठौर, जॉनी प्रजापति, श्याम माहौर, निखिल राठौर, सौरव राठौर, अमित राठौर आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।